चलिए बात करते हैं अगली खबर की, जहां भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन चुनाव 2024 के तहत निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना आज जारी कर दी गई है। इसके साथ ही संपूर्ण लोकसभा क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई है। जारी अधिसूचना के अनुसार संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 11 कांकेर में चुनाव दूसरे चरण में संपन्न होंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी अभिजीत सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि आयोग द्वारा नाम निर्देशन की अंतिम तिथि 4 अप्रैल 2024 को निर्धारित की गई है। प्राप्त नाम निर्देशन पात्रों की संवीक्षा 5 अप्रैल को की जाएगी। इसके संबंध में बताना चाहूंगा, जैसा आप लोगों को ज्ञात है, राज्य में तीन, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 3 चरणों में मतदान होना है। प्रथम चरण में बस्तर लोकसभा का चुनाव है, द्वितीय चरण में कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव और बाकी सभी लोकसभा क्षेत्रों का चुनाव तृतीय चरण में होगा। तो हमारा जो कांकेर लोकसभा क्षेत्र है, जिसके तहत कांकेर जिला, पूरा बालोद जिला, धमतरी जिले का सिहावा विधानसभा क्षेत्र और कोंडागांव जिले का केशकाल विधानसभा क्षेत्र, इस प्रकार से कुल 8 विधानसभा क्षेत्र इसके तहत आते हैं। इनमें निर्वाचन का जो शेड्यूल है वो कुछ इस प्रकार है। निर्वाचन की जो अधिसूचना जिसके साथ नाम निर्देशन लेने की कार्रवाई प्रारंभ होती है वो 28 तारीख को उसका प्रकाशन किया जाएगा और उसी दिन से नाम निर्देशन लेना प्रारंभ कर दिया जाएगा। नाम निर्देशन की अंतिम तिथि दिनांक 4 अप्रैल की रहेगी। 4 अप्रैल के उपरांत 5 अप्रैल को नाम निर्देशन पत्रों की स्क्रूटनी यानी कि संवीक्षा 5 अप्रैल को की जाएगी। उसके उपरांत जिनके नाम निर्देशन पत्र वैलिड पाए जाएंगे उनके लिए नाम वापसी का समय दिनांक 8 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तक का समय रहेगा। दोपहर 3 बजे तक नाम वापसी के उपरांत जो भी प्रत्याशी रहेंगे वे लोग चुनाव लड़ेंगे और मतदान की तिथि हमारे कांकेर लोकसभा के लिए 26 अप्रैल की रहेगी। इसके उपरांत मतगणना की तिथि जो पूरे देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में एक साथ होगी वो दिनांक 4 जून को होगी। 6 जून की तिथि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित की गई, जिसके पहले चुनाव प्रक्रिया को संपन्न करा लेना है।